सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी में। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो लोग इस साल 2023 में केदारनाथ यात्रा, बाबा केदार के दर्शन कम क्राउड कम भीड़ भाड़ के साथ करना चाहते हैं। क्योंकि आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको भीड़ भाड़ क्राउड के साथ बाबा केदार के दर्शन करना पसंद होगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको भीड़ भाड़ ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं होगा। तो आप दोनों को ही आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। वैसे अगर देखा जाए तो ये भगवान शिव का वो स्थान है जहां आपको बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जब आपको वहां क्राउड कम मिलेगा। बस जब कपाट बंद कर दिए जाते हैं तभी ऐसा देखने को मिलता है कि वहां आपको एक परिंदा भी नजर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दिन, कुछ महीने होते हैं कि जब आप कम क्राउड कम भीड़ भाड़ के साथ भी बाबा केदार के दर्शन कर सकते हो। और आज की वीडियो में वही दिन वही मंथ मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस टाइम अगर आप जाते हो तो आपका बजट भी कम आने वाला है। तो चलो फिर करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। जय श्री केदार। और आप भी कमेंट में जय श्री केदार का जयकारा जरूर लगाएं। तो इस साल 2023 में 25 या फिर 26 अप्रैल को यात्रा की शुरुआत की जा रही है। कन्फर्म डेट महाशिवरात्रि के दिन डिक्लेयर कर दी जाएगी। मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अप्रैल में यात्रा की शुरुआत की जाती है और दिवाली के दो दिन बाद भाई दूज के दिन बाबा केदार के कपाट क्लोज कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है इस साल अप्रैल के मंथ में कपाट खोले जा रहे हैं बाबा केदार के, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, यही राय दूंगा कि आप अप्रैल के मंथ में यात्रा ना करें, अवॉइड करें। वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक ही यही है कि आप किस दिन किस मंथ में कम क्राउड कम भीड़ भाड़ के साथ बाबा केदार के दर्शन कर सकते हो। तो आप अप्रैल में ना जाकर मई एंड में, मई के आखिरी सप्ताह में जाए, क्योंकि अप्रैल के एंड वीक में यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो मई एंड वीक तक पूरा वन मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा क्राउड कम हो जाता है। और अगर आप कपाट खुलते ही या फिर उसके एक दो दिन बाद यात्रा करते हो तो आपको स्टे करने में प्रॉब्लम हो सकती है। रूम्स ही खाली नहीं मिलेंगे बिकॉज लोग एक दो मंथ पहले ही एडवांस में बुकिंग करा लेते हैं। और अगर रूम्स या फिर कैंप्स आपको मिल भी गए तो फिर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे, 1-2 हज़ार महंगे ही मिलेंगे। फिर भी आपको दर्शन तो अच्छे से नहीं हो पाएंगे बिकॉज काफ़ी लंबी लंबी लाइन में आपको लगना पड़ेगा। ट्रैक पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड मिलेगा, फूड के रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। वही बात है, डिमांड इंक्रीज देन प्राइस भी इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज देन प्राइस भी डिक्रीज। बट अगर फिर भी आपने एक दो महीने पहले बुकिंग करा ली रूम्स की, आपको रूम मिल गए, बट क्राउड भीड़ भाड़ तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो फिर ठीक है, मैंने आपको अप्रैल टू मई एंड वीक तक का एक ओवरव्यू दे दिया। अब बात कर लेते हैं कि मई एंड के बाद आप कब जाएं। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि जुलाई और अगस्त ये मॉनसून सीजन होता है, इन दो महीनों में वहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड बढ़ जाती है। ऐसे हालातों में यात्रा रोक दी जाती है जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से रोड ब्लॉक्स हो जाती हैं, यात्री फंस जाते हैं और केदारनाथ की तरफ क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने का भी डर काफ़ी ज़्यादा रहता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप मानसून के सीज़न में जुलाई और अगस्त में आप यात्रा ना ही करें। तो आप जून टू जुलाई मिड तक जा सकते हो, बट जुलाई में वेदर फोरकास्ट देखकर ही जाना और अगस्त को तो भाई अवॉइड ही करना, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट सितंबर, बट इससे पहले एक गोल्डन टिप ले लो जो आपके काफ़ी हेल्प करेगी। तो देखो, जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनके ये टिप ज़्यादा काम नहीं करेगी, बट अदरवाइज जो एम्प्लॉयड नहीं है उनके लिए तो गोल्डन टिप होने वाली है। तो देखो, आप वीकेंड पर मत जाना, या फिर कोई फेस्टिव हॉलीडे हो या फिर कोई नॉर्मल हॉलीडे हो उस पर जाना अवॉइड करना, बिकॉज जो एम्प्लॉयड होते हैं वो इन्हीं डेज पर मोस्टली यात्रा करते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जो एम्प्लॉय ये वीडियो देख रहा है मुझको कमेंट बताओ, बट नॉर्मल डेज में एम्प्लॉय पर्सन नहीं जाते यात्रा पर, तब आप जाओ। 90% चांसेस है जो मैंने आपको डेज बताए हैं उनसे कम क्राउड मिलेगा, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। और हाँ, ये टिप अगर हेल्पफुल रही हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना या फिर इंस्टा पर DM कर देना, एंड फॉर अदर इंक्वायरीज आप हमको WhatsApp भी कर सकते हो, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। चलो फिर आते हैं टॉपिक पर।
सो नाउ सितंबर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मंथ जिसमें आपको सब कुछ आपके अकॉर्डिंग मिलेगा, लाइक वेदर ऑसम, लेस क्राउड, सीनिक व्यू और कम क्राउड के साथ दर्शन। रूम्स एंड कैंप्स आसानी से मिल जाएंगे विद अफोर्डेबल प्राइस एंड रेट्स। अगर बात करें सोनप्रयाग और गौरीकुंड की तो आपको रूम्स 500 टू 1000 में मिल जाएंगे पर पर्सन, इससे कम भी मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें केदारनाथ टेंपल के पास स्टे करने के लिए तो एक वहां होते हैं शेयरिंग टेंट्स, जिसमें आपको स्लीपिंग बैग दे दिया जाएगा या फिर रजाई दे दी जाएगी और सबके साथ आपको सोना पड़ेगा। इसके चार्जेस होते हैं 300 टू 500 रुपीस पर पर्सन और वहाँ जो बेस कैंप्स है उसके रेट 700 टू 1500 रुपीस पर पर्सन। प्राइस आर फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू कैंप कंडीशन। देन जो रूम्स हैं वो आपको 1000, 1500 एंड 2000 किसी में भी मिल सकते हैं भाई, वो आपकी भीड़ भाड़ के ऊपर डिपेंड करता है, बट 1000 टू 1500 रुपीस में मिल जाएंगे अगर क्राउड कम है तो। सो नाउ अब बात करते हैं अक्टूबर एंड नवंबर की। तो देखो नवंबर में केदारनाथ धाम के इस साल कपाट बंद हो जाएंगे 15 नवंबर या फिर इसके आसपास, तो आपके पास पूरा अक्टूबर है एंड हाफ ऑफ नवंबर है। अक्टूबर में आप जा सकते हो सही रहेगा, फिर नवंबर फर्स्ट वीक भी आप जा सकते हो, बट जब कपाट बंद हो जाते हैं तो मत जाना अगर कम क्राउड के साथ दर्शन करने हैं तो, अदरवाइज आप जा सकते हो बिकॉज कपाट ओपनिंग एंड कपाट क्लोजिंग के टाइम क्राउड बढ़ जाता है। यात्री ये सोचते हैं कि कपाट ओपनिंग पर हम सबसे पहले दर्शन कर लें और कपाट क्लोजिंग पर कि यार चलो अब तो दर्शन कर लें, इन दोनों ही टाइम आपको क्राउड ज्यादा ही मिलेगा। तो कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया डीपली और ये स्ट्रेटेजी हर साल एवरी ईयर फॉलो होगी। कम क्राउड के साथ दर्शन करना चाहते हो, लंबी लंबी लाइंस में नहीं लगना चाहते तो प्लान इसी के अकॉर्डिंग बनाओ। इस साल 2023 में आप आराम से बाबा केदार के दर्शन कर पाओगे। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, इंस्टा पर डीएम कर दो या फिर अदर इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप कर दो, सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, कंजूसी बिल्कुल मत करना, ऐसा बेल आइकन ऑल्सो फॉर रेगुलर अपडेट्स। ठीक है तो हम मिलते हैं आपको किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गाइस keep supporting, keep loving।